रायपुर पुलिस की टीम द्वारा रायपुर के विभिन्न चौक चौराहों में बाहरी लोग जो भीख मांगते हैं तथा अनेक प्रकार की वस्तुएं बिक्री करने के बहाने भीख मांगते हैं, ऐसे लोगों की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान कुछ लोग संदिग्ध पाए गए जो बाहर के राज्यों से आए हैं एवं उनके द्वारा संबंधित थानों में किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है, जो अपने छोटे बच्चों को लेकर चौक चौराहों में वस्तु बिक्री के बहाने स्वयं तथा अपने छोटे बच्चों से भीख मंगवा रहे थे, जिससे सड़क दुर्घटना एवं अन्य बड़ी घटना घटित होने की आशंका बनी हुई थी, जिसे ध्यान में रखते हुए रायपुर पुलिस एवं सामाजिक संगठन की टीम द्वारा 7 महिला एवं 10 बच्चों को सखी सेंटर भेजा गया। जी, शासन प्रशासन के द्वारा लगातार इस मामले में संज्ञान लिया जा रहा था। हमारे आदरणीय SSP सर के द्वारा भी इसमें विशेष कार्रवाई करने के निर्देश मिला था, जिसमें शासन की टीम और पुलिस की टीम द्वारा जो लावारिस आवारा जो लोग असहाय लोग जो घूमते हैं और लोगों ट्रैफिक सिग्नल में खड़े होकर भीख मांगते हैं और जीवन यापन नहीं कर पाते, उनके लिए कल एक रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें प्रशासन की टीम के साथ पुलिस की टीम भी थी और उनको सखी सेंटर और अन्य स्थानों पर बालकों को भी बाल गृह में भेजा गया। हाँ, दुर्घटना भी रहते हैं कि लोगों को अभाव होने के साथ साथ कुछ अन्य उसमें लिप्त हो सकते हैं, तो इसलिए ये अभियान चलाया जा रहा था कि अपराधों को भी रोका जा सके। ये हमारे SSP सर की एक अच्छी पहल है, जिसको पूरे रायपुर पुलिस अंजाम दे रहे हैं।